तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे पढ़ेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है, अब पढ़ेंगे कैसे। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग एग्जाम की बात करते हैं तो हमारा एग्जाम होता है NID, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी अप्रॉक्सीमेटली। अब NID एग्जाम में पहला जो राउंड होता है प्री राउंड होता है। प्री राउंड के अंदर उसका जो एग्जाम है वो आता है डेट, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर एप्टीट्यूड आता है, GK आता है, करंट अफेयर्स आते हैं और क्रिएटिव आता है। आई रिपीट, क्रिएटिव आता है। क्रिएटिव को हम लोगों ने सिलेबस कंडक्ट किया है, हमारे थ्रू एक नया सिलेबस बनाया गया जिसमें NID, NFT और UCET तीनों के सिलेबस को मिक्स करके हमने कॉमन सिलेबस बनाया जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप रखा है, ताकि स्टेप बाय स्टेप वो सिलेबस पढ़ने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन स्केचिंग कई लोगों की अच्छी होती है, कई लोगों की अच्छी नहीं होती है। तो कई सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हमारी स्केचिंग बिल्कुल पुअर है, तो उसके लिए क्या करेंगे। हम लोगों ने रखा है फाउंडेशन राउंड, जहाँ पे स्केचिंग को इम्प्रूव किया जाएगा, फिर उसके बाद हम टेक्निकल एडवांस वगैरह में आएंगे। तो नंबर वन, क्रिएटिव का एक सिलेबस बना दिया गया है और उस सिलेबस को आर्टेंस की एप्लीकेशन में इंडिविजुअल बैचेस बनाए, जिसमें बैच के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ पे स्टोर्ड रहेगा ऑलरेडी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे रेगुलर टेस्ट होते रहे तो हमारी प्रैक्टिस आसानी से जाती है। तो हमने क्या है, मोबाइल के अंदर आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डाली है। अब टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट जो होते हैं, मॉक टेस्ट क्या, बॉटम ऑफ लाइन पे हम लोग देते हैं। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम जनवरी में हो रहा है तो नियर बाय आप टेस्ट देते हैं दिसंबर के आसपास हम टेस्ट देते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस ओवरऑल इतनी नहीं हो पाती है। हम बच्चे के एनरोलमेंट के साथ उसके सारे टेस्ट लेते हैं, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, GK, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, मैंसुरेशन, क्रिएटिव, ये सभी टेस्ट आपके ऑनलाइन होंगे। सो आपको ये प्रैक्टिस रेगुलर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो एप्लीकेशन आपके साथ रहती है 24 घंटे, आप उसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर NID है, UCET है, सभी का सेम प्रोसीजर है। अब बात ये आती है कि सर एक इंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, वीडियोस YouTube पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें, लेकिन आप वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। तो अटेंस के एप्लीकेशन से क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट्स ये होगा जूम के थ्रू या ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपसे कॉन्टैक्ट में रहूँगा। कैसे, मान लीजिए आपने क्रिएटिव का पर्टिकुलर को टॉपिक वीडियो देखा है, वो टॉपिक आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया, फिर आपको वो टॉपिक करना है, टास्क भी आपको वीडियो के साथ मिल जाएंगे, उसके PDF आपको एप्लीकेशन में अटैच मिलेंगे। अब वो टास्क फिनिश करेंगे, टास्क फिनिश करने के बाद उसके पिक्चर क्लिक करेंगे, पिक्चर क्लिक करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। आपका व्हाट्सएप रिसीव होने के बाद उस क्वेश्चन को, जो भी टास्क आपको दिया गया था, उसको मैं एनालाइज करूंगा, उसकी मार्किंग स्कीम करूंगा, उसके ड्रॉबैक्स देखूंगा कि इसे कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। देन उसके बाद एक साथ कलेक्ट होने के बाद, मान लीजिए मेरे पास 6-7 टॉपिक इकट्ठे हो गए हैं, देन उसके बाद आपके पास एक लिंक आएगा कि आपको इस डेट को इस टाइमिंग पे आपको सर के साथ कनेक्ट होना है। आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे, देन उसके बाद मैं ऑनलाइन डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं, आपने क्या गलती करी है। तो ऑनलाइन आपको वीडियोस मिल रही हैं, व्हाट्सएप पे आपको कमेंट मिल रहे हैं, आपका ड्रॉबैक्स पता पड़ रहा है, और ऑनलाइन हम लोग कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन जो होती है वो ऑफलाइन एजुकेशन से इतनी कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत एडवांस नहीं होती है, लेकिन अगर कोई बच्चा चेन्नई में है, हम लोग कोटा में हैं, जयपुर में हैं, तो इतनी दूर से ट्रैवल नहीं किया जा सकता। तो ये उन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ है जो बहुत दूर रहते हैं हमसे, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन बच्चा है वो ऑनलाइन से कमज़ोर होगा या ऑफलाइन वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट आपको दोनों को बराबर दिया जाएगा और दोनों के साथ में सेम सिमिलैरिटी रहेगी कि आपको ये आउटपुट मिल रहा है तो उसको यही आउटपुट मिलेगा, दोनों इक्वल रहेंगे। सो डोंट वरी गाइस कि अगर ऑनलाइन है तो हमें सेम चीज़ें नहीं मिलेंगी, एग्जैक्ट सेम मिलेंगी। ऑनलाइन का बेनिफिट क्या है, देखिए अगर कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ने आ रहा है तो एट अ टाइम एक समय पे एक बार क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, सेकेंड टाइम वो पुटअप नहीं कर सकता। और सेम चीज़ लाइव पढ़ाने में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बार बार मुझे नहीं पढ़ाना होगा, मैं एक लेक्चर एक बार में हूँ। वीडियो का बेनिफिट ये रहेगा कि जो वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, एप्लीकेशन में डल चुका है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो नंबर ऑफ टाइम्स उसको देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो ऑनलाइन का ऑफलाइन से ज़्यादा एडवांटेज। सेकेंड चीज़, अमाउंट भी कम है, फीस स्ट्रक्चर भी कम है, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है कि अगर आप ऑफलाइन आएंगे तो ऑफलाइन में आना जाना आपके एक्सपेंसेस होंगे और फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा रहेगी, तो ऑनलाइन आपके बेनिफिट ज़्यादा है। और सेकंड, इसके अलावा एक अदर पॉइंट ये भी है कि अगर आप स्कूलिंग करते हैं, रेगुलर स्कूल जाते हैं, आपका स्टेट अलग है, आपका स्टेट बोर्ड अलग है, तो ये भी चीज़ आपका सॉर्ट आउट हो जाएगी कि आप इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, स्कूल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि
अगर बच्चा 10th स्टैंडर्ड तक सेम स्कूल में पढ़ता है, बाद में स्कूल चेंज करता है, तो वो चाहता है कि मैं स्कूल चेंज नहीं करूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। बच्चे करते हैं लेकिन कोई नहीं चाहता, तो उसके लिए ये बहुत एडवांटेज है एक्चुअली। दूसरा, एप्लीकेशन का वॉक थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि एप्लीकेशन में क्या क्या, कौन सा कंटेंट कहाँ है, कैसे यूज कर सकते हैं। वन मोर थिंग्स, हम लोग क्या करते हैं, एप्टीट्यूड अगर हम बात यूसीड की है, तो यूसीड के जो क्वेश्चन आते हैं ना एप्टीट्यूड बेस, उसमें क्या होता है कई बार फेसेस काउंटिंग के क्वेश्चन आते हैं कि आपको नंबर ऑफ फेसेस काउंटिंग करना है, या व्यू सेक्शन वाले आते हैं कि टॉप टू एलिवेशन वाले आपके क्वेश्चन दिखाने हैं, या कोई 3D ऑब्जेक्टल क्वेश्चन आता है कि, तो सबसे बड़ा टास्क ये होता है, बच्चा कहता है कि सर वो हम कैसे समझें। डोंट वरी, हम लोग 3D सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं आपको समझाने के लिए, जिसमें 3D Max और लोकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, iPad का यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और वो वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली एप्टीट्यूड को कितनी बढ़िया तरीके से समझा पाएंगे हम। तो डोंट वरी गाइस, सो एक सॉफ्टवेयर की हेल्प ली है हमने आपको 3D वगैरह यूज करके। रही बात मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो मेंसुरेशन में हमने ओवरऑल यूज किया है मैथमेटिक्स का, लेकिन मेंसुरेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस। क्वेश्चन समझा दिया जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रैक्टिस की नीड है, तो हमने उसकी सीरीज बनाई है। मैथमेटिक्स सीरीज अलग है, क्रिएटिव की सीरीज अलग है, बाकी चीज़ें अलग अलग, तो वो रिकॉर्ड करके आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करेंगे, हाँ इजीली आप समझ सकते। बाय द वे, थैंक यू सो मच।